खबर बाराबंकी जनपद से, जहां अधिवक्ता पुष्कर सिंह ने बताया कि किस प्रकार एक वकील गरीबों असहाय लोगों की मदद करता है एवं सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देता है। भारत जैसे विकसित देश में आज भी जब लोगों के साथ अन्याय होता है या किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है। भारत के न्यायालय के अधिवक्ताओं के सामने भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे एक अधिवक्ता गरीब और असहाय लोगों की आवाज तो उठाते हैं, साथ ही साथ समाज सेवा भी करते हैं तथा सच्चाई की आवाज उजागर करने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं। इस मामले में अधिवक्ता पुष्कर सिंह ने अपने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। जानते हैं कि आज का दौर भ्रष्टाचार का, पूरी तरह से हमारा शासन प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। कोई भी जो दबंग सरहन किस्म का व्यक्ति है वो अपना रुतबा, अपना रसूख और अपने पैसे के बलबूते हमेशा गरीबों को और अपने से नीचे को दबाने का प्रयास करता है। हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि हम ऐसे दबे कुचले गरीब गांव के लोगों को हम उनकी भरपूर कोशिश करें और उनको मदद दिला पाएं जितना हम लोग कर सकते हैं। ऐसे वकील आप हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे जो जैसे अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं जो कंप्लेन करने से डरती हैं, तो एज ए वकील आप उनसे क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से ऐसी महिलाओं को जो किसी समाज के दबाव में आकर के अपनी कोई बात नहीं रख पाती है, जिससे उनका सामाजिक आर्थिक या पारिवारिक उनका शोषण होता है, उन पर दबाव बनाया जाता है या कई बार घरेलू हिंसा के मामले आते हैं सामने, तो हम ऐसी महिलाओं से को एक संदेश देना चाहते हैं कि वो खुल करके सामने आए। जब व्यक्ति खुल करके सामने आएगा तो फिर वो मजबूत होगा, सशक्त होगा, वो जान पाएगा कि उसके लिए भी कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। जो आदमी सशक्त होगा, जानकार होगा और जो समाज को जानेगा, वो उसके ऊपर कोई आदमी दूसरा जो है कोई भी प्रकार का अत्याचार या कोई शोषण या उसके ऊपर कोई घरेलू हिंसा या दूसरे प्रकार का कोई भी उसके प्रति बुरा व्यवहार कोई नहीं कर पाएगा। देखिए ऐसा है कि अकेला व्यक्ति कभी जीवन में कोई भी बड़ा या छोटा कार्य नहीं कर सकता। जो हमारे लेवल का है उसको हम प्रयास करते हैं, ताकि हमारे बड़े भाई लोग, हमारे परिवार में लोग मार्गदर्शन देते हैं, उनकी सहायता लेते हैं, प्रयास ये करते हैं जो व्यक्ति हमारे पास अपनी समस्याओं को लेके आए उनकी समस्या सॉल्व होनी चाहिए तभी, क्योंकि किसी भी वो हमारे पास आ रहे हैं तो ये सोच के आ रहे हैं कि इनसे हम मिलेंगे तो हमारा ये काम होगा, इसलिए हम सोचते हैं कि आदमी उनसे संतुष्ट हो के। एज ए वकील अगर आपके पास जैसे लोग आते हैं तो किस किस तरीके की फरियाद लेके आते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो असहाय होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं जैसे, तो आप उनकी भी की, मतलब क्या कहते हैं, पूरी मदद करने का कार्य करते हैं? वकालत पेशे में रजिस्टर्ड तो मुझे अभी आए हुए 1.5 साल हुआ है, लेकिन उससे पहले से भी मैं कचहरी आया जाया करता था। मेरे पास लोग आते हैं तो जमीनों का विवाद लेके, अगर पड़ोसी से परेशान होके जो छोटा मोटा खर्चा होता है मैं उनसे लेता भी नहीं, मैं अपनी तरफ से लगा के ये प्रयास करता हूँ कि उनकी मदद हो जाए। बाकी जो उनका बड़ा मामला रहता है जिसमें मैं अपने आप को सोचता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं उन्हें अपने सीनियर को या अपने मिलने जुलने वालों को बता के उनका कम से कम उनकी सहायता कराने का प्रयास